धनबाद संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की बुधवार को विदेश में 130वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर धनबाद में भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के द्वारा भी सिंह मेंशन में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के द्वारा कई दलित परिवारों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा जा रहा था। इस दौरान भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र के माध्यम से मांग की है कि जिस तरह बिहार के नालंदा में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उसी तरह झारखंड में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना हो, जिससे कि झारखंड के दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षणिक विकास का अवसर मिलेगा और यही बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग तमाम भारतीय जनता पार्टी और इनका लिखा हुआ संविधान की आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है और दलित परिवार को हम लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी मना रही है। आज के दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के और चिन्हों पर चलने का कार्य कर रहे हैं और आज हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में बाबा साहब के मार्ग पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कोरोना को गाइडलाइन देखते हुए आज जो कार्यक्रम घर में मनाया जा रहा है, कोरोना का गाइडलाइन का हम लोग पालन कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के तहत हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी मास्क के साथ हैं और हम सभी अनुसरण कर रहे हैं कोरोना के गाइडलाइन का।